वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने अगर कोई कूदा फानी या आगे पीछे भागेगा तो उसका इमेज कैसे भागेगा, बहुत सिंपल सा डिस्कशन होने वाला है आज का। और बहुत सिंपल, मतलब इतना सिंपल कि पूछो ही मत कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसा है। और कई बार देखा जाए तो मेंस में एक दो बार सवाल आ चुका है, बहुत रेयरली इस पे सवाल आते हैं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। ये सब कॉमन सेंस की बातें होती हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस की तरह अपन इसको सॉल्व करेंगे, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं कि कैसे इमेज भागेगा अगर मिरर स्टेशनरी। पहला अपना केस रहेगा कि यार मिरर स्टेशनरी होगा, मान लो हमने बोला ये मिरर है मेरा, ये मिरर है। कॉमन सेंस से तुमसे एक बात पूछूं, यार ये मेरा ऑब्जेक्ट है ओ, अगर ये ऊपर भागेगा वी स्पीड से तो इमेज किधर भागेगा, नीचे भागेगा क्या? अगर तुम मिरर के सामने अपने हाथ को ऊपर करोगे तो तुम्हारा हाथ भी किधर जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना। तो इमेज भी वी स्पीड से ही ऊपर के तरफ भागेगा, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक होता है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर वी स्पीड से भागेगा तो इमेज भी ऊपर वी स्पीड से ही भागेगा। ये हो गया केस नंबर वन। केस नंबर टू की बात कर लें। केस नंबर टू में मान लो ये हमारा मिरर रहा, ये हमारा मिरर रहा, और हमने बोला ये ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के तरफ भाग रहा है वी स्पीड से। ऐसा सोचो कि हम मिरर के सामने आ रहे हैं, तो अगर हम मिरर के सामने आएंगे तो हमारा इमेज भी किधर आएगा, सामने ही तो आएगा। तो इमेज जो अगर मिरर के सामने वी स्पीड से तुम आओगे तो इमेज भी हमारा वी स्पीड से सामने ही आएगा। सोचो ना, मिरर लगा हुआ है, अगर मैं सामने आ रहा हूं मिरर के वी स्पीड से तो इमेज भी मेरा सामने ही तो आएगा वी स्पीड से। कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, लोचा ही नहीं है। लोचा अब शुरू होने वाला है, अब देखना मैं क्या बोल रहा हूं। तीसरे पार्ट में तुम पक्का कंफ्यूज करोगे, पक्का। मैंने बोला ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, और हमने क्या किया, हमने मिरर को ऊपर की तरफ भगाना वी स्पीड से स्टार्ट किया। ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और मिरर ऊपर वी स्पीड से भाग रहा है। कई लोगों का आंसर होगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट का जो ये इमेज आई है ये भी वी से ऊपर जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तुम ऐसा सोचो यार, ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बना, अगर मिरर का कुछ पोर्शन उठ के यहाँ भी आ जाएगा तो अभी भी ऑब्जेक्ट का इमेज यही तो बनेगा यार। यानी कि मिरर के ऊपर या नीचे करने से इमेज के डिस्टेंस में क्यों फर्क पड़ेगा? मिरर यहां से यहां, अरे भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमने बोला कि यार ये मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पे, इमेज यहां बना, सपोज करो थोड़ी देर में हमने क्या किया, मिरर को खिसका के ऊपर कर दिया, अभी भी ऑब्जेक्ट यहां, इमेज, ऑब्जेक्ट तो हमेशा, इमेज तो हमेशा ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही बनेगा, अभी भी ये डिस्टेंस ये भी क्यों चेंज होगा? यानी कि मिरर के ऊपर या नीचे करने से, मिरर के ऊपर या नीचे करने से इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज अभी भी वहीं का वहीं रहेगा, चाहे मिरर कितना भी करे ऊपर, कितना भी करे नीचे। बहुत सिंपल सा डिस्कशन है, बहुत सिंपल सा। तीसरे केस की अपन बात करते हैं, चौथे केस की बात करते हैं। चौथा केस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। अगर मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मिरर भाग रहा है वी स्पीड से, तो इमेज कितनी स्पीड से भागेगा? अगर तुम्हारा आंसर है वी तो तुम गलत हो। हो क्या रहा है मैं समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि ये कैसे, पहले तो अपन ये डील करते हैं कि क्या होगा, इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है समझाता हूँ। तुम एक काम किया करो, मिरर के ऊपर बैठ जाया करो। तरीका क्या होता है, मिरर के ऊपर बैठ जाओ। जैसे मिरर के ऊपर बैठे तुम आ गए रेस्ट में, तुम आगे रेस्ट में तुम ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, अपनी स्पीड का उल्टा तुमने ऑब्जेक्ट को दिया वी। ये सब कुछ चल रहा है मिरर के रिस्पेक्ट में। मैं तरीका बता रहा हूं, फिर मैं इसका रूल बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। मिरर के ऊपर बैठ के मैंने ऑब्जेक्ट को दे दिया वी, ये जो वी है वो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर है स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट भाग रहा है वी से इधर की तरफ, तो इमेज इधर भागेगा वी से। इमेज इधर भागा वी से, इमेज इधर भागा वी से, बट किसके रिस्पेक्ट में? भाई जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी हमने ली है मिरर के रिस्पेक्ट में, तो इमेज की वेलोसिटी वी भी होगी मिरर के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड फ्रेम में हम क्या करेंगे, रिलेटिव से ग्राउंड में आने के लिए उस चीज को ऐड करते हैं, ग्राउंड से रिलेटिव में जाने के लिए उल्टा करके ऐड करते हैं, बट रिलेटिव से वापस ग्राउंड में आने के लिए मिरर की स्पीड को ऐड। एक बात बताओ, ये जो है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, व्हिच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
इसको इधर लेके आओ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो वेलोसिटी वी था वो वेलोसिटी था वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए ना, तो मुझे मिरर की स्पीड में, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर में मिरर की स्पीड को जोड़ना पड़ेगा जो कि वी है। दिस कम्स टू बी द 2v, यानी कि अगर मिरर भागेगा v से तो इमेज को उसका 2v मिलेगा। कई लोगों का सवाल होता है कि ऐसे मैथमेटिकली तो समझ में आ रहा है बट ऐसा क्यों हो रहा है, समझाता हूं क्यों हो रहा है, समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो मैंने बोला कि मेरा मिरर है, ये मान लो 2 सेंटीमीटर दूर पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कितने दूर होगा, 2 सेंटीमीटर दूर ही होगा। अगर मान लो मैंने मिरर को 1 सेंटीमीटर पास ले आया, अब ऑब्जेक्ट का मिरर से दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो इमेज का मिरर से दूरी कितना होना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर। अभी ये ऑब्जेक्ट नए वाले मिरर से कितना दूरी पे है, देखो ये पूरा 2 है, ये 1 हटा दो तो अभी ये कितनी दूरी पे है, 1 पे है, उसको होना है 3 सेंटीमीटर दूर। मतलब जिस स्पीड से मिरर भाग रहा है उसको 2 होना है, 1 ये ऑलरेडी है, 2 और होना है। मिरर 1 हुआ, ऑब्जेक्ट को 2 होना पड़ रहा है, यानी कि मिरर के स्पीड का डबल इसको चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, दोबारा समझा रहा हूं, देखो दोबारा समझा रहा हूं कि मैंने कैसे किया। देखो ये ऑब्जेक्ट मान लो 5 मीटर दूर है, तो इमेज कितने मीटर दूर बनेगी, 5 मीटर दूर। हमने सपोज करो मिरर को शिफ्ट कर दिया 1 मीटर, नए वाले मिरर से मेरा ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 6 मीटर, तो नए वाले मिरर से इमेज को कितना दूर होना पड़ेगा, 6 मीटर। नए वाले मिरर से पहला वाला इमेज कितना है, तो 5, ये 1 माइनस कर दो, 4 मीटर होना चाहिए, 6 है ये 4, 2 मीटर और खिसकना पड़ेगा, यानी कि मिरर खिसका 1 मीटर, इमेज खिसका 2 मीटर, यानी कि मिरर के स्पीड का डबल स्पीड मिल गया है इमेज को। इसको मैथमेटिकली करने के लिए अपन ऐसे करते हैं, अपन क्या करते हैं, हम मिरर भाग रहा है, मिरर के ऊपर बैठ जाओ, मिरर के ऊपर बैठे तो पलट के दिया हमने v, ये जो v है वो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये v इधर, तो ये v इधर किधर क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको इधर लेके आओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐड करना है अपने को, ये वेलोसिटी इसमें ऐड करनी है वापस ग्राउंड में आने के लिए, ये 2v हो गया। ऐसे याद कर लो, या तुम ऐसे याद कर लो, जिधर स्पीड मिरर का होगा वो डबल करके इसमें ऐड कर दो। एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक सवालों से दिखा रहा हूं कैसे अपन डील करते हैं चीजों को, दिखाता हूं मैं, देखो तब तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसे करना है डील। देखो पहला एग्जांपल लेता हूं, मैंने पहला एग्जांपल लिया, यार ऑब्जेक्ट भाग रहा है इधर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो इमेज कितने भागेगा, इधर भागेगा, ये ऑब्जेक्ट है पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्सअप सवाल लेते हैं, थोड़ा मिक्स करते हैं चीजों को, थोड़ा मिक्स करते हैं। हमने बोला ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री, बताओ इमेज कितने भागेगा, 5 का 1 कंपोनेंट इधर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये वाला हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इमेज का ये 3 ऊपर गया ऑब्जेक्ट 3 से, तो इमेज भी 3 से ऊपर जाएगा, ऑब्जेक्ट 4 से आगे गया तो इमेज भी 4 से इधर जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये एंगल हो जाएगी 37 डिग्री। सब कुछ बढ़िया, अभी मिरर रेस्ट पे था, हमारे सब केस में मिरर रेस्ट पे। तीसरे केस की बात कर रहा हूं, गौर से देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है। तीसरे केस में हमने माना
कि ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही भाग रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पे, साथ में मिरर ऊपर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अब मुझे बताओ मिरर के ऊपर जाने से क्या इमेज को कोई फर्क पड़ता है? मिरर के ऊपर जाने से क्या इमेज को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है फर्क। ऊपर करे नीचे करे ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा ही करेगा, यानी कि इससे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये 4 और इस 3 से फर्क पड़ने वाला है। इसका भी आंसर यही होगा जो पहले वाले का था। इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा अब तुम्हें अगली सवाल समझाएगा। देखो फर्क तब पड़ेगा जब मिरर का स्पीड ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन या उसके भागता हुआ हो। देखो ऐसा ऑब्जेक्ट मान लो भाग रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मिरर भाग रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तरीका क्या है? तरीका ये, मिरर के ऊपर बैठो, पलट के दे दो, तो 2-1 गया तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये ऑब्जेक्ट आ रहा है मिरर के रिस्पेक्ट में, तो इमेज कितने से आएगा? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर का खुद कितना है? मिरर की खुद कितनी है? 1, ऐड कर दो 1 1 0, खत्म हो गया। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या तो तुम ये करो, या अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो समझाता हूं क्या करना है तुम्हें। तुम्हें करना ये कि तुम्हें इस सवाल को करने के लिए तुम्हें याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता, मिरर भाग रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो इमेज को मिरर का डबल मिल गया होता, मिल गया होता। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता तो ऑब्जेक्ट की स्पीड खुद है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, अगर मिरर स्टेशनरी होता तो इमेज किधर की तरफ होती है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। दोनों का वेक्टर एडिशन कर दो, 0, बात खत्म। एग्जांपल और दिखाता हूं तो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे करना है इन सवालों को डील। बहुत सिंपली हो जाएगा इन सवालों का डीलिंग। देखो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मिरर इधर भाग रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से मान लो, ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अगर मिरर स्टेशनरी होता तो इमेज इधर भागता 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, मिरर उधर भागा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो इमेज को भी उधर ही मिलेगी कितना? मिरर का डबल, 2 + 3, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंपल। अगर ऐसे नहीं आता तुम पलट के दे दो। देखो 1 है, पलट के दिए तो ये 4 आया, ये 4 से आगे तो ये 4 से इधर, ये 4 विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, 4 + 1 = 5। आई बात समझ में? एक सवाल और करते हैं, सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। इससे टफ सवाल तो नहीं देगा तुम्हें। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री पे, मिरर की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड भी 37 डिग्री। मैंने बोला फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, सबका कंपोनेंट तोड़ के रख दूं। 5 का कंपोनेंट 5 cos 37, बोले तो 5 sin 37, इसका ऊपर की तरफ इधर की तरफ cos 37 sin 37, सबका कंपोनेंट कर लिया। क्या इस 6 वाले से इमेज को कोई फर्क पड़ेगा? बोल जाओ। अगर ये 3 से ऊपर जाएगा तो इमेज भी कितने से ऊपर जाएगा? 3 से। फर्क इससे और इससे पड़ना है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर रुका होता तो ये 4 सीधर, तो इमेज किधर? 4 सीधर। मिरर खुद भाग रहा है 8 से, तो 8 का डबल मिल जाएगा इमेज को। 8 का डबल बोले तो 16 और इधर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर और 16 + 4 = 20 मीटर पर सेकेंड उधर। इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाएगा √3² + 16² ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी √3² + 16² आ रही बात समझ? ये डीलिंग होती है। ऐसे करके सवालों को करते हैं अपन, ऐसे करना है सवालों को। कैसे अपन सिंपली वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ मिरर निकाल रहे हैं, बहुत सिंपली डील कर रहे हैं। इस तरह के सवालों को ऐसे ही डील करना है।
वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर हमारा समाप्त हो गया। अपने को ऐसे ही सवालों का, इससे टफ सवाल तो आज तक नहीं पूछा ना पूछेगा। तो ये हो गया हमारा समाप्त। अगली वीडियो में अपन कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नया इमेज की वेलोसिटी कुछ और बात करेंगे। फिलहाल तो इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आप।